गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज डॉक्टर अजरा एहतिशाम। आज हम बात करेंगे कैल्शियम डेफिशिएंसी की। बहुत सारे पेशेंट आते हैं जिन्हें कैल्शियम डेफिशिएंसी होता है, उन्हें हम सप्लीमेंट्स तो दे देते हैं इन टैबलेट्स इन सिरप्स, लेकिन उनका एक क्वेश्चन रहता है कि कैसे हम कैल्शियम अपने घर की चीज़ों से बढ़ा सकते हैं, कुछ चेंजेस अपने डाइट में करके बढ़ा सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि कौन कौन से चीज़ों में कैल्शियम बहुत हाई रहता है, जिसे खाने से आप घर में ही आप अपना कैल्शियम का लेवल बैलेंस कर सकते हैं। आपको मालूम है कैल्शियम का लेवल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अपने बॉडी में, जैसे कि हार्मोनल लेवल बैलेंस रखने में, हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन में और अपने बोन्स को स्ट्रॉन्ग रखने में। अपने बॉडी को रोज 1000 mg पर डीएल कैल्शियम चाहिए होता है, लेकिन अगर हम उसे नहीं देते हैं बाय फूड और बाय सप्लीमेंट्स, तो बॉडी काम तो करती ही रहेगी, अगर उसे कैल्शियम फूड से नहीं मिलता है तो वो लेने लगती है आपके बोन से, और आपके बोन स्टार्ट होते हैं कमजोर होना, वीक होना, तब आपको डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम के सिम्टम्स से गुजरना पड़ता है। पहले हम देखेंगे कि सिम्टम्स क्या है कैल्शियम डेफिशिएंसी के, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि क्या चीज़ों से आप बैलेंस कर सकते हैं। सबसे पहला सिम्टम है वीकनेस, लेथार्जी, बहुत कमजोरी लगेगी, काम करने का मन नहीं करेगा आपका, आप काम को डिले करेंगे, थोड़ा भी चलेंगे तो थक जाएंगे, ये सारे प्रॉब्लम्स आपको फेस करने पड़ते हैं। उसके बाद है आपको वीकनेस के बाद आपको लगता है कि जैसे दांतों में दर्द हो गया या मसल क्रैम्प्स आने लगते हैं, थोड़ा भी चलेंगे तो क्रैम्प, स्पाज़म आने लगेगा, बहुत सीवियर पेन होता है, बोन वीकनेस होती है, ज़्यादातर हर जोड़ों में दर्द होता है, लेकिन ज़्यादातर हम देखते हैं हील्स में पेन होता है, आपकी एड़ियों में पेन होता है, क्योंकि पूरे बॉडी का वजन उस पर ही रहता है। इसीलिए जब भी कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है आपके जोड़ों में पेन स्टार्ट हो जाता है और थोड़ी थोड़ी स्वेलिंग भी नज़र आने लगती है। कैल्शियम की कमी के वजह से आपके हाथ और पैरों में सुन्नपन होने लगता है, नमनेस हम देखते हैं, या तो टिंगलिंग सेंसेशन जिसे हम कहते हैं मूंगी चढ़ जाना, और ये सब सारी तकलीफें हमें नज़र आती हैं। अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है तो आपको स्किन डिजीजेस भी हो सकती है, लाइक सोरियासिस हम देखते हैं, वाइट सिल्वरिश स्किन डिजीज होती है, बहुत ड्राइनेस हो जाती है स्किन की, इसके वजह से ये सारे खुजली होना या फंगल इन्फेक्शन या सोरियासिस, ये सारे प्रॉब्लम्स हम देखते हैं कैल्शियम डेफिशिएंसी। अगर आप बहुत सारा कैल्शियम खा रहे हैं, सप्लीमेंट्स भी ले रहे हैं, बैलेंस भी कर रहे हैं अपने डाइट से भी, तो भी आपका कैल्शियम अगर बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, क्योंकि आपका विटामिन D3 लेवल प्रॉपर नहीं है। इसीलिए कैल्शियम प्रॉपर लेवल रखने के लिए आपको विटामिन D3 पे भी ध्यान देना चाहिए। चलिए अब हम देखते हैं कि किन किन चीज़ों में, घरेलू चीज़ों में आपको कैल्शियम ज़्यादा मिलता है, उसे आप खाने से आपके बॉडी का कैल्शियम लेवल प्रॉपर हो सकता है। सबसे पहला है डेयरी फूड्स, दूध में बहुत अच्छा कैल्शियम होता है, चीज़ बोल ले सकते हैं आप, टोफू, पनीर, दही, ये सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है, आप रोज़ अपने डाइट में ऐड करें। नेक्स्ट है मेथी का दाना, आप रात में भिगा दें उसे, मॉर्निंग में लें, उसमें भी बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है। नेक्स्ट ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, पत्तियों वाली मेथी, पालक और सोया, ये सब आपको लेना है, वो उसमें कैल्शियम भी होता है, आयरन भी होता है, वो बहुत ही हेल्दी होती है अपने बॉडी के लिए। आपको ज़रूर एक बाउल फूड के पहले, आप खाने के पहले एक बाउल सैलेड ज़रूर लें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का, बहुत अच्छा आपको असर दिखेगा आपके फ्रेशनेस पे भी, कैल्शियम लेवल, आयरन लेवल, इन एवरीथिंग। नेक्स्ट आप रागी ले सकते हैं, ग्रेन्स में सबसे अच्छा होता है रागी, रागी में बहुत सारा कैल्शियम होता है, जिसे हम नाचनी भी कहते हैं, उसका आप रोटी बना लें, चिल्ला बना लें, जो भी ऐसे भी आपको पसंद हो आप ले सकते हैं। इसके बाद आपको लेना है सरसों का साग, उसमें भी बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है। ड्रमस्टिक ले सकते हैं आप, उसे दाल में पका लें या सब्जियों में, जैसे भी आपको इनटेक करना हो ले सकते हैं। उसके बाद आप एक चीज़ ले सकते हैं, बहुत इजीली मिल जाएगा और बहुत आप कह सकते हैं सीक्रेट है कैल्शियम लेवल इंक्रीज करने का, वो है चूना। आप कोई भी पान की दुकान से थोड़ा सा चूना ले लें, रोज़ मेथी के दाने की इतना चूना आप पानी में मिक्स कर लें और रात में पी लें, या सुबह जब भी आपको टाइम मिलता है अल्टरनेट डेज आपको पीना है, इससे आपका कैल्शियम लेवल बहुत अच्छा इंक्रीज हो जाएगा।
कैल्शियम लेवल को प्रॉपर रखना बहुत ज़रूरी है। उसके बिना बहुत सारे फीमेल्स में हम देखते हैं कमजोरी आती है, वीकनेस, बोन वीकनेस होती है। तो सप्लीमेंट्स तो आप ले ही लें, लेकिन उसके साथ अगर आप अपने खाने पे ध्यान देंगे तो सप्लीमेंट्स की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी। हाँ, कैल्शियम का ज़्यादा होना भी बॉडी में सही नहीं है, किडनी उतना कैल्शियम फ्लश नहीं कर पाएगी, उसकी वजह से किडनी स्टोन हो सकते हैं। इसीलिए कोई भी चीज़ आप लें तो प्रॉपर डॉक्टर के एडवाइस से ही लें, अपने सेल्फ मेडिकेशन ना करें। चलिए अब देखते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन जो कैल्शियम लेवल इंक्रीज करने में काम आ सकती है आपके, इस सब चेंजेस के साथ आप उसे भी आप ऐड कर सकते हैं, वो है कैल्केरिया फॉस, जिसे हम कैल्शियम फॉस्फेट भी कहते हैं। 6x का लेना है आपको। अगर बच्चे हैं तो 2 गोली दिन में 2 बार दें, और अगर एडल्ट हैं 18 ईयर्स के ऊपर हैं तो आप 4 गोली दिन में 4 बार दें। इसे 2 महीने कंटिन्यू रखें, फिर आप कैल्शियम लेवल चेक करें, बहुत अच्छा फर्क मिलेगा आपको। इस तरीके से आप अपना बैलेंस रख सकते हैं कैल्शियम का प्रॉपर इन योर बॉडी। हेल्दी खाएं, हेल्दी रहें, एज योर हेल्थ इज आर प्रायोरिटी, एंड प्लीज शेयर दिस इन्फॉर्मेशन विद एवरीवन। थैंक यू।